जी बिस्मिल्लाह, मैं हूं जिशान रजा और आप देख रहे हैं जिशान रजा ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तानी उन शहरी के साथ जिन्होंने जो है वो अपनी मदद आपके तहत मॉडल कब्रिस्तान जो है वो बनाया है। इनका बनाने का मकसद क्या था? हमारे साथ फैसल खान मौजूद हैं। फैसल खान जो है वो कई साल जो है वो अमेरिका में मुकीम थे, जिसके बाद जो है अचानक इनके जहन में ये ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और मैं ये काम करूँ। तो हमारे साथ फैसल खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल साहब, आप ये बताएं कि आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि आप पाकिस्तान आएँ और मॉडल कब्रिस्तान जो है वो जदीद जो शहर खामोशा जो है उसे बनाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। सबसे पहले तो ये है कि मैं मेरे वालिदैन मेरे भाई की कब्र यहाँ पे है और मैं अमेरिका से जब आया तो जिस कब्रिस्तान मैंने देखा तो इसकी हालत काफ़ी गैर थी और यहाँ पर लोगों के बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं था और सफाई का कोई इतना वो नहीं था। सीवरेज का पानी खड़ा रहता था और जो फर्श था, जो सड़क थी, वो सारी कच्ची थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखते हुए नोट करता रहा। तो फिर मैं प्लान करता रहा अपने जहन के अंदर कि यहाँ पे क्या ऐसा काम किया जाए कि जिसकी वजह से लोगों में आसानी, उनके लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये बेंचेस आप देख रहे हैं, ये सारे बेंचेस लगवाए ताकि अगर जनाजा आता है और लोग बैठना चाहते हैं, कोई ज़ईफ़ लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो बैठ सकते हैं आराम से और वहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पे जा सकते हैं और वहाँ से अगर वो थक गए हैं तो वो इधर आके बैठ सकते हैं बेंचेस के ऊपर। फिर उसके साथ साथ फिर मैंने देखा कि रात के टाइम यहाँ पे मगरिब के बाद इस कदर अंधेरा हो जाता था कि यहाँ पे आते हुए खौफ महसूस होता था। तो उसके लिए फिर मैंने ये पोल्स लगवा कर लाइटनिंग LED यहाँ पर लाइटनिंग करवाई यहाँ पर सारी। और लाइटनिंग आप रात को अगर आप देखें मगरिब के बाद आकर यहाँ पे दिन का समा होता है, इतनी लाइट होती है। यानी आप अगर कब्रिस्तान रात के टाइम भी आएँ, 10 बजे आएँ, 12 बजे आएँ या इससे भी लेट आवर्स में आएँ तो आपको खौफ महसूस नहीं होगा। फैसल खान जो है उनसे हमारी बात हो रही है यहाँ पर, और शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं जो मॉडल कब्रिस्तान जो हैं वो आए हैं और यहाँ पर जो है वो मॉडल कब्रिस्तान में लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है, पानी पीने का इंतज़ाम किया गया है, बैठने का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर ताकि कोई शख्स भी अगर रात के औकात में भी आता है तो उसे खौफ ना आए। यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पे जो तमाम इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं इस हवाले से हम उनसे भी बात करते हैं। जी आप बताएं कि आप यहाँ पर आएँ कब्रिस्तान में तो क्या कहना चाहेंगे? जी यहाँ पे हमें आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो फैसल खान साहब ने यहाँ पर सहूलतें दी हैं तो ये बहुत ही अच्छी सहूलतें हैं और ख़ासकर ये रात को जो समा होता है और स्पेशली आप इस वक्त भी लाइट्स जल गई हैं तो आप देख सकते हैं कि रात को आप 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी कोई जनाजगाह में आए जनाजा पढ़ने के लिए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और उन्होंने बहुत कार्य खैर की है। जी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इस वक्त मगरिब का वक्त है और यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं और फैसल खान जो हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो किया है और उस मोहब्बत में इन्होंने ये मॉडल कब्रिस्तान जो है वो बनाया है और ये मज़ीद जो है मुस्तकबिल में मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ये कब्रिस्तान मॉडल कब्रिस्तान जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो जदीद शहर खामोशा जो है वो बनाना चाहते हैं। कब्रिस्तान में जो वो लोग आते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते तो उनकी जो है वो मदद की जाती है, तदफीन के हवाले से मदद की जाती है, तमाम जो है वो खर्च जो है वो कब्रिस्तान इंतज़ामिया जो है बर्दाश्त करती है। मज़ीद फैसल भाई जो है उनसे बात करते हैं। फैसल भाई, मुस्तकबिल में जो है वो कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं, मज़ीद आप मॉडल कब्रिस्तान काम शुरू करवाऊँ, लेकिन चूँकि गर्मी मौसम इतना गर्म था तो काम करवाना मुश्किल हो रहा था। अब मौसम कुछ बेहतर हो रहा है आजकल तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। मैं आज लाहौर से आया हूँ, मैं ज़्यादातर लाहौर में ही होता हूँ तो मैं आज लाहौर से आया हूँ तो मैं यही इन लोगों के साथ प्लान कर रहा था कि यहाँ पे और क्या काम होना चाहिए जिससे लोगों के लिए मज़ीद आसानी हम पैदा कर सकें। और उसके साथ साथ जो हमने अगला प्लान करना है, दूसरा कब्रिस्तान शुरू करवाना है, उसको हमने कैसे प्लान करना है, उसको हमने कैसे ठीक करवाना है, वहाँ लाइटनिंग का कैसे और वहाँ पर सड़क कैसे बनेगी, ये सारा हम आज प्लान कर रहे थे बैठ कर। जी फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमारी बात हुई, आपको हमने जो है वो सुनवाया कि किस तरह से जो है फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमारी बात हुई है और इनका ये कहना है कि मैं मज़ीद जो है मुस्तकबिल में इस तरह के मॉडल कब्रिस्तान जो हैं वो जदीद शहर खामोशा जो हैं वो बनाना चाहता हूँ और इस हवाले से जो है वो इनकी जानिब से इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इन्होंने ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो लेके ये चले हैं। इनका कहना है कि मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी जानिब से जो है वो मॉडल कब्रिस्तान जो है जदीद शहर खामोशा जो है उसे बनाया जाएगा। फैसल भाई से हमारी बात हुई और फैसल साहब जो है उनका ये कहना है कि वो तमाम अखराजात जो हैं वो ख़ुद बर्दाश्त करते हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है ये मज़ीद मुख्तलिफ़ शहरों में जदीद शहर खामोशा जो हैं वो बनाना चाहते हैं, मॉडल कब्रिस्तान जो है वो कायम करना चाहते हैं और इस पे इस प्रोजेक्ट पे जो है ये काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।